सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री, जी हाँ उनकी मौत की जो मिस्ट्री है वो धीरे धीरे सस्पेंस ड्रामा की तरह उसकी एक एक परत खुल रही है, एक एक किरदार सामने आ रहा है, एक एक नई बात सामने आ रही है। अब होपफुली इंचिंग टवर्ड्स अ क्लाइमैक्स, धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, क्लाइमैक्स आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगेगा और पूरा ड्रामा अनफोल्ड हो जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा और सीबीआई जो है वो अपराधियों के नाम सामने ला देगी। डोंट लेट अस डाउन, हमें लेट डाउन मत करना, सीबीआई को भी कहा है उन्होंने, एक चीज। और दूसरी बात, जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं सुशांत को डिफेम करने की, एसएसआरियंस को डिफेम करने की, उस पर भी कहीं ना कहीं शेखर सुमन ने बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत का जब केस शुरू हुआ लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा ड्रामा, एक मर्डर मिस्ट्री, इस लेवल की मर्डर मिस्ट्री होगी, इसको अनफोल्ड होने में इतना वक्त लगेगा। रोज नए किरदार, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स, नई बातें, पिछली बातों में से ही कोई नया एंगल, इतना कि इंसान का शर्लक होम की कहानी भी फीकी पड़ जाए। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स, केस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, कहाँ जा रहा है, लोग जेल तो गए हैं मगर किसी और आरोप में। अब उम्मीद यह है कि क्लाइमेक्स जल्दी आए और क्लाइमेक्स जल्दी आकर के द एंड क्लोजर जो है वो मिले, लेकिन अपराधियों के जेल में जाने के साथ। ऐसा नहीं कि क्लोजर, वो क्लोजर नहीं होगा, अपराधियों को सजा मिलनी जरूरी है। तो शेखर सुमन के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी, बस अब क्लाइमेक्स आने ही वाला है। जरूर बताएं, बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।